कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि एक देश एक कानून होना चाहिए और इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान भी देना चाहिए। हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म का अनुयायी हो वो अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताता है और फिर विवाद कर अपनी बात मनवाने के प्रयास करता है। जब हम सभी धर्मों के अनुयायी एक ही आजम एक ही कालीन पर बैठेंगे तो फिर देश में सुख समृद्धि आएगी। मेरा तो इतना कहना रहेगा, हम सभी सनातन धर्म के अंतर्गत रह रहे हैं और सनातन धर्म को अपन सब मानते हैं। भगवान शिव की आराधना करना, राम की आराधना करना और जो जिस धर्म में जुड़ा हुआ है वो अपने अपने धर्म को किसी न किसी रूप में पूज रहा है। आज जो सनातन धर्म के अंतर्गत जिस तरह का आपने प्रश्न किया कि कॉमन सिविल कोड जो लेकर आ रहे हैं एक देश का एक कानून के अंतर्गत, तो हमारा तो यही कहना है कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान देगी तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम सब की एक जाजम पर बैठ सकेंगे, हम सब एक कालीन पर बैठ सकेंगे। आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रत्येक धर्म का व्यक्ति अलग अलग बातें कर अपने धर्म को विशेष बताता है और विवाद उत्पन्न कर कहीं ना कहीं हमारे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। तो जब एक जाजम पर बैठेंगे, एक धर्म के अंतर्गत चलेंगे तो सुख का अनुभव अपने आप होगा।